बता देते हैं, मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के बाद गेस्ट हाउस की बिजली कटी है, पानी और खाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। व्यवस्था नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ता का प्रदेश सरकार पर गुस्सा फूटा है। हम आपको तस्वीरें मिर्जापुर की दिखा रहे हैं। बिजली व्यवस्था नहीं होने पर चुनार गेस्ट हाउस में जनरेटर लगाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। प्रियंका को पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया गया है। चुनार गेस्ट हाउस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, खाने का इंतजाम भी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर नजरबंद कर दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर मोबाइल की रोशनी में बैठकर बातें हो रही हैं, किस तरह से टाइम यहां पर काटा जा रहा। तस्वीरें चुनार गेस्ट हाउस की अपडेटेड हम आपको दिखा रहे हैं। जो पीड़ित हैं उनसे मिलना एक नेता का धर्म होता है, अपराध नहीं है। तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं जमानत बिल्कुल नहीं भरूंगी, मैं एक पैसा नहीं भरूंगी, मुझे कोई एसी की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, मैं उन परिवारों से मिलने के बिना यहां से हिलूंगी नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? यहां पर खबर आ रही है कि वहां पर ना तो बिजली है, ना पानी है, ना खाने का इंतजाम है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आपसे बता दें कि खबर चलने के बाद जो है प्रशासन एक्टिव मोड में आया है। वहां पे आनंद फानंद में एक पोर्टेबल जनरेटर मंगाया गया है, तार की व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था की गई, क्योंकि जो वहां पे बल्ब लगे गेस्ट हाउस था पुराना, वहां पे जो बल्ब लगे हुए थे वो भी खराब हो गए थे। इस तरीके से आपसे बताया कम से कम 3 घंटे तक वहां पे बिजली नहीं थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने आनंद फानंद में सारी व्यवस्था कराई। अगले ताजा अपडेट बताएं कि आपको पीएल पुनिया भी वहां पे पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो अंदर बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं। चूंकि प्रियंका गांधी का ये एक प्रण है कि वो कल सोनभद्र जाएंगी, वो मुचलका नहीं भरेंगी, चूंकि प्रशासन ने धारा 144 में चालान भी उनका किया हुआ है, जिसमें कि बिना जमानत के प्रशासन उनको नहीं छोड़ने वाला है। अगर ताजा स्थितियों की बात करें तो वहां पर माहौल कैसा है, यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा? प्रियंका गांधी तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन वहां पर माहौल किस तरह का देख रहे हैं, प्रशासन की तैयारियां किस तरह की है? देखिए प्रशासन की जो तैयारियां है वो तो प्रशासन ने पूरी तरीके से उनको रोक के रखा हुआ है। ना जो अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे यहाँ पे, वो 2 बार गए प्रियंका गांधी जी से बात की, तो प्रियंका गांधी जी का ये साफ कहना था कि या तो हमको वहां जाने दिया जाए, या तो वहां के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको यहाँ ला के हमसे मिलाया जाए, तभी मैं बनाडे की तरफ जाऊंगी, नहीं तो मैं यही रहूंगी, बिना जमानत कराए रहूंगी, लेकिन जब तक हमको नहीं जाने दिया जाएगा सोनभद्र, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये ताजी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से चुनार गेस्ट हाउस में यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पर बिजली भी नहीं था, पानी भी नहीं था, खाने के इंतजाम भी नहीं थे, लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ पर आनन फान में तमाम व्यवस्थाएं की हैं। बढ़ते आगे।